हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ भाई आप सभी बिल्कुल मजे में होंगे, मैं बिल्कुल मजे में हूँ। तो भाई लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि अपनी थार पे मैंने करे थे एक्सपेरिमेंट अलॉयज का, तो भाई वो अभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया किसी रीज़न से। तो अभी हम जा रहे हैं मनाली अपनी थार रॉक्स को लेके, अच्छे से टेस्ट करेंगे इसको कि कैसी परफॉर्मेंस है गाड़ी की, क्या माइलेज है। मेरे मन में भी बहुत से डाउट हैं और आप लोगों के भी, क्या माइलेज देगी, तो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे इस वीडियो में। और मेरे साथ जो मेरे दोस्त जा रहे हैं वो एक बार उनसे ही मिलवा देता हूँ। तो भाई इनको तो सभी जानते हैं, हर गैरेज मैक कपूर, और हमारे साथ हमारे भाई जो बहुत ही कम कैमरे में आते हैं। हाय ब्रो। रात के 2 बजे गुड मॉर्निंग बोलने की हिम्मत कौन कर सकता है, बॉक्सर भाई। तो भाई अभी हमने डीजल डलवा लिया, एक बार डीजल डलवा लेते हैं और देखते हैं कि कितना गाड़ी के अंदर आता है। गाड़ी बिल्कुल ना खाली हो रखी है। ट्रिप का फर्स्ट फ्यूल डलवा लेते हैं। तो भाई डीजल आया 50 लीटर 4436 रुपए का, क्योंकि गाड़ी ना बिल्कुल खाली थी और ऑटो कट पे हमने रुकवा दिया था कि और भी आ जाता क्या, बस अलॉय टायर चेंज करवाते रहते हैं, फ्यूल करवाते नहीं जिससे गाड़ी। तो ये तो बता दो हम जा कर रहे हैं, अभी तो बताया मनाली। मनाली बोला है मैंने, डेस्टिनेशन मनाली, मनाली नहीं मनाली। तो भाई एक बार गाड़ी का ना ट्रिप ए बी वगैरह रीसेट कर देते हैं। वो मैंने कर दिया। ओ थैंक यू। तो चलो भाई ट्रिप पे निकलते हैं। अभी हमारे साथ ना भाई, मेरे साथ सॉरी, आज 3 ड्राइवर हैं। तेरे साथ 2 ड्राइवर हैं भाई। हाँ मेरे साथ 2 ड्राइवर हैं, इंक्लूड करके 3 जने हैं। एक वो लेना क्या? तो ये देखो भाई ट्रिप ए कर दिया हमने 0, ट्रिप बी भी भाई ने कर दिया है। और एक बार भी नहीं करा, ट्रिप ए ही करा सिर्फ, ट्रिप बी वही चलता रहेगा ना। और एक बार एवरेज दिखा देते हैं कि अभी क्या दे रही है, 14.4 और रेंज है 830 की। तो देखते हैं भाई 830 ये कितना सच है क्या झूठ है। माइलेज भी रीसेट कर देंगे, यहीं से चालू करेंगे ना वापस। ठीक है, माइलेज भी रीसेट कर देंगे और ट्रिप तो कर ही दी है। हाँ। यहीं से माइलेज टेस्ट करेंगे पूरा, यहीं पर आकर ना जब फ्यूल पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद डलवाएंगे, पता चल जाएगा कि एवरेज क्या दी है। यस। तो भाई एक चीज और कहना चाहूंगा, आप लोग ना जज मत करना कि मेरे पास एक यही जोड़ी कपड़े हैं। तो भाई कल डिलीवरी ली थी वो भी इस कपड़े में थी, पीपीएफ करी जब भी यही शर्ट डाली हुई थी, अलोए के टाइम पे भी। तो भाई कल बदलना भाई, कपड़े बदल लिए बार भाई, कपड़े बदल पहले भाई, तो टाइम ही नहीं मिल रहा, फुर्सत नहीं मिल रही कल कपड़े। हाँ बाकी ठीक कह रहा भाई, लेकिन भाई नाया हूँ मैं। ठीक है, झूठ ना, अरे झूठ ना, कि ये कपड़े पहन लिए, कपड़े बदलने का टाइम नहीं मिल रहा ना, कि ये कपड़े पहन लिए, अरे सही में नाया था लेकिन। चलो कोई नहीं भाई। तो एक बार ना सीटों की ये पॉलिथीन उतार देते हैं, क्योंकि ये ना इरिटेट कर रही हैं रास्ते में, और भाई ये पसंद भी नहीं है खैर, लेकिन सफ़ेद इंटीरियर है ना, और ये गंदी बहुत जल्दी हो जा रही है। एक बार बेल्ट हटा देते हैं, ये क्या बॉक्सर पीछे से बेल्ट लगाता है, ठीक है तरीका भाई। अरे कितना लगा रखे, तो यहाँ भी लगा रखी है भाई, क्योंकि महिंद्रा को भी पता है ना कि गंदी होगी। अरे किधर से है ये, अरे चिपचिपी हो गई देखना। चलो भाई सारी गाड़ी को ना एक बार पूरी गाड़ी की अनबॉक्सिंग कर देते हैं। इधर पिलर भाई ये भी हटा देना, ये नहीं ये पर रहने दे, ये वाले मतलब ये ना सीट वाले हटा देते हैं भाई। महिंद्रा ने सीट कवर्स इतने अच्छे से पैक कर रखे हैं, पहले तो पॉलिथीन, और पॉलिथीन के अंदर है ये सफेद कलर का कपड़ा, जैसे हैंडबैग्स नहीं आते रैप होके। हाँ एकदम लग्जरी फील। तो लग्जरी गाड़ी को मेंटेन करने के लिए महिंद्रा को पता है ना कि हमारे सीट कवर्स गंदे जल्दी होंगे भाई, ये सारा कचरा वापस डिग्गी में रख दो, यहाँ पे नहीं फैलाना है। तो निकल लिए हैं मनाली के लिए, तो बोलो भाई हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अभी करनाल पार करा है, और भाई मेरे को ना थोड़ी नींद आ रही थी, तो मैंने भाई को गाड़ी दे दी कि भाई गाड़ी आप चलाओ, मैं लेता हूँ एक पावर नैप, बढ़िया सा सोऊंगा अब आराम से बैठ के। और गाड़ी परफॉर्मेंस भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, एक नंबर। थार लग ही नहीं रहा मेरे को कि मैं थार चला रहा हूँ, ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी गाड़ी चला रहा, थार नहीं लग रही, ये भी नहीं पता चल रहा कौन सी है, लेकिन थार भी नहीं लग रही भाई। अभी गाड़ी के अंदर ना एक दिक्कत आ रखी है कि एप्पल कारप्ले कनेक्ट नहीं हो रहा है, सब कुछ करके देख लिया, ब्लूटूथ से कनेक्ट भी कर लिया, से कर लिया सब कर लिया, ये तार लगा रहे हैं तार नहीं हो रहा, वायर बार बार पैर का आ रहा है, पैर भी कर रहे हैं लेकिन क्या दिक्कत है भाई बताइए एक बार। सब ये तार पहले तार लगा रहे थे एप्पल कारप्ले सपोर्टेड तार है, तब भी नहीं चल रहा, उसके बाद ये पैर कर लिया, ये पैर करने के बाद ये पैर है फिर भी नहीं चल रहा, ये रहा पेयर करा हुआ, ये रहा 15 प्रो मैक्स पेयर कर दिया, तो यहाँ पे लोगों को आता वो नहीं आ रहा कि एप्पल कार प्ले का। हाँ
और पूरे रास्ते सही चल रहा था, अभी रीसेट कर लिया, सब कर दो मिनट के लिए रुके थे और भाई उसी में पता नहीं, और फैक्ट्री रीसेट कर दिया है लेकिन फिर भी नहीं यार, हम खुश हो रहे थे इस बार महिंद्रा ने एप्पल कारप्ले टाइम से दे दिया, लेकिन तो बीच रास्ते में धोखा दे गया भाई। अभी दिक्कत क्या है कि रास्ता कैसे देखें, मैप्स वगैरह ना कुछ भी नहीं चल रहा है, क्या करें भाई। चलो तो गाइस हम आ चुके हैं मनाली, और भाई अभी हूँ मैं सोलंग वैली, जब जाते हैं ना तो रास्ते में ये अशोका कैफे आता है जो फूड वैन है, तो हर बारी मैं यहाँ पे ना खाना खाता हूँ, राजमा चावल यहाँ के बहुत टेस्टी हैं प्रॉपर भाई अशोका के, तो वही मेरे को इस बार भी खाने हैं। और भाई बीच की जो सफ़र की जो वीडियो थी ना दिल्ली टू मनाली, वो ज़्यादा इसलिए नहीं दिखा पाया मैं क्योंकि भाई नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी लास्ट एक हफ्ते से। भाई मैं मुश्किल से अगर मैं पूरा कैलकुलेट करूँ ना तो लास्ट वन वीक से मैं सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे सोया हूँ, एक हफ्ते में 10 घंटे, तो भाई बहुत ज़्यादा एक्टिव चल रहा था सारा का सारा शेड्यूल, तो इसलिए नींद पूरी कर ली। प्रांजल भाई गाड़ी चला रहे थे, मैं अपने आराम से बैठ के सोता हुआ आया हूँ, बस अब लास्ट में मैंने शायद कुल्लू के आसपास मैंने गाड़ी ली थी इनसे कि भाई लो अब मैं थोड़ी सी चला लेता हूँ, आप रेस्ट कर लो। तो और भाई गाड़ी की परफॉर्मेंस A1, भाई गाड़ी की परफॉर्मेंस लाजवाब है, और जो टायर है ना ऑल टेरेन जो MRF के टायर हैं, इन्होंने भाई काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। खैर अभी तो नॉर्मल हाईवे है, हाईवे पे तो देखो सारे टायर्स परफॉर्म करते हैं, अगर हाईवे टेरेन भी होता तो वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता, लेकिन जो असली टेस्ट जो होगा गाड़ी का वो हम कल करेंगे, देखते हैं अगर कहीं स्नो मिल जाती है तो सिंकुला पास पे या बारा लाचा पे, या और आगे का बनेगा सरचू साइड तो सरचू साइड भी जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगर स्नोफॉल अगर कहीं पर हो जाए, अगर हमें बर्फ़ मिल जाए तो पूरी कोशिश करेंगे बर्फ़ दिखाने की, और गाड़ी को अच्छे से एक बार टेस्ट करते हैं। यहाँ पे कीचड़ वगैरह भाई ऑफ रोडिंग ट्रैक तो है नहीं कि मैं इस पे ऑफ रोडिंग आपको अभी दिखा सकूँ, उसका भी बहुत जल्द कंटेंट आएगा आप लोगों के लिए, सोचा हुआ है मैंने कुछ। बाकी अगर मैं गाड़ी की पावर वगैरह से अगर मैं बात करता हूँ कि पावर गाड़ी की कैसी है, तो 4x4 में 172 BHP आती है और 370 Nm का टॉर्क आता है, काफ़ी अच्छा टॉर्क है गाड़ी का, बिल्कुल थकावट नहीं हो रही। मेरे पास जैसे 3-door भी है, स्कॉर्पियन मैंने यूज़ करी है 1.5 साल, तो अब मैं ये बता सकता हूँ आपको कि 3-door स्कॉर्पियन और 5-door लेने के बाद अब मैंने लगभग कंटिन्यूसली इस गाड़ी में 550 किलोमीटर में गाड़ी में ही था अगली सीट पे, तो मैं बता सकता हूँ एक्सपीरियंस कैसा था भाई। सीट्स थोड़ी सी छोटी हैं लेकिन भाई कम्फर्ट पूरा है, और भाई बाकी बातें ना बाकी बातें बाद में करते हैं, एक बार पेट पूजा कर लेते हैं, रात से कुछ खाया नहीं है, और अभी होटल भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन सा होटल लिया है, और उसके बाद भाई नींद पूरी करूँगा मैं, तो और सोऊंगा लगभग 7-8 घंटे तो दबा के सोऊंगा, आज कुछ नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ खाना ही सोना है। चलो भाई मनाली पहुँच गए, एक बार गाड़ी में डीजल डलवा लेते हैं कि कितना आता है, क्योंकि अंदर तो पूरा तेल ख़त्म हो चुका है। ऑटो कट कर देना भैया। भाई डीजल डला गाड़ी के अंदर 48.47 4260 का, देखते हैं कैलकुलेट करके कि एवरेज कितनी दी है, कितने किलोमीटर गाड़ी चली है। तो अपनी गाड़ी चली है 524 किलोमीटर और तेल आया 48.47, तो भाई 524 को डिवाइड किया 48.47 से तो एवरेज आई है 10.8 की, तो ठीक है भाई इसको आप 10 की भी कह सकते हो, 11 की भी, MID पे दिखा रहा है भाई ये 11 की। तो ऑलमोस्ट सेम ही है, उतना ही थोड़ा बहुत फर्क है 19-20 का, चला ले। बाकी ठीक है भाई एवरेज ठीक ही लगी यार, जिस हिसाब से हमने गाड़ी चलाई है उस हिसाब से तो ठीक है, नहीं है अभी कितनी, अगर 80-90 पे अगर हम चलाते तो कहीं ना कहीं और 12-13 की दे देती, इतना ही फर्क आता। यस तो चलो भाई यही थी कुछ आज की वीडियो, आज की वीडियो करता हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलता हूँ कल फिर से कुछ नया लेके, कुछ बढ़िया लेके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।